सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं हूं रोशन, आज आके पहुंच चुका हूं जीजू के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, क्योंकि गाइस मैं भी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से हूं। तो गाइस आज वर्ल्ड सॉइल डे, तो सॉइल डे के ऊपर गाइस जीजू में गाइस बहुत बड़ा वर्कशॉप हो रहा है, नेशनल लेवल का वर्कशॉप हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि नेशनल लेवल का वर्कशॉप किस टाइप का हो रहा है और सॉइल डे सेलिब्रेशन किस टाइप का जीजू के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हो रहा है। अंदर जाकर मैं आप लोग को पूरा दिखाता हूं। Whole earth, 90% earth was covered with the water, rest of the 10% was covered with the rocks, not by the soil. ऑर्गेनिक है, जैसे इनका हम लोगों का मेन उसका पैकेजिंग यूनिट का है, मार्केटिंग यूनिट का। कैसे कैसे तैयार करते हैं? पकता है उसको उठा के ले बुलाते हैं, जिसको वेट होती है उसमें तैयार करते हैं। इसको मतलब कहते हैं सर कि साल मतलब पेड़ों का राजा है ऐसे करके, और 100 साल तक जीवित रहती है। कपड़े का बैग है सर, ये रहते हैं इसको इसलिए बनाया है सर ये, ताकि जो बाजारों से आती है छोटे छोटे पन्नी हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं उसको लाते हैं।
सारी सब्जियों अलग अलग खाने में एक ही थैले में आ जाएगी सर, इसलिए मतलब इसका कितने का है सर? 200 रुपए का है सर। और इसको सर हम लोग का छत्तीसगढ़ का सर बस्तर का जो आर्ट है सर, ये 40 रुपए का है। हाँ, ये हमारी समिति इसको बनाती है, धनिया मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर है। इसको हल्दी को हम लोग गांव के किसान लोगों से खरीदते हैं, जो किसान लोग हमारे उगाते हैं, जो जैविक खेती करके फिर उन लोग से हम लोग खरीद के इसको तैयार करके बनाते हैं। तो आपके यहाँ मिल में लगी हुई है? हाँ, चक्की ग्राइंडर मशीन लगा रखी है। पूर्ण रूप से ये ऑर्गेनिक और इसको जैसे उगाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से ही की है, और कहा जाए तो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक के साथ साथ पौष्टिक भी है।